बसिन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो एक बार बाजार पर आउटलुक और साथ ही आपकी कॉल्स पर भी अपडेट बता दें, उसके बाद मैं लूंगा आपसे फ्रेश कॉल्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो सुबह की वॉलेटिलिटी लेने का मौका है, मैंने कहा है 5 दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी लीजिए, सोमवार से ये बाजार घूम जाएगा। ग्लोबली इतनी ओवरसोल्ड और जो रीडिंग आनी थी आ गई है। द फेड मूव इज ऑल गेटिंग प्राइस्ड इन। फ्राइडे यू विल बी सरप्राइज्ड ऑन द अपसाइड ऑन द इन्फ्लेशन नंबर्स व्हिच विल कम मच लोअर देन एक्सपेक्टेड, और एक ग्लोबल रैली में इंडिया विल आउट परफॉर्म। सो एक एक्सपेंसिव मार्केट एक्सपेंसिव रह सकती है क्योंकि वो अर्निंग डिलीवर कर रही है। मुझे कोई दो राय नहीं, कल TCS के नंबर देखिए, आज प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट लेने का मौका है। आपको अपडेट भी दे दूं अनिल जी, कल आपको भारत फोर्ज, विप्रो और परसिस्टेंट तीनों कहे थे आउट परफॉर्मर है। उसके अलावा मैंने आपको टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन कहे, दोनों में बने रहिए, ये ग्रुप, ये शेयर टाइम है लेने का, क्वालिटी स्टॉक। अनिल जी एक और अपडेट, JP एसोसिएट ने न्यू हाई मारा है 12.45, अगर 13 रुपए का भाव निकला तो 25 से 20 रुपए से कम नहीं मिलेगा, और ये डेवलपमेंट बहुत पॉजिटिव है। आपको और बता दूं, जो सारी दुनिया कहती है 27,000 करोड़ का डेट, वो नहीं है, 20,000 करोड़ SPV में लैंड बैंक बना के लिखा गया है। द डेट विल बी 7,000 विच विल गेट कंसिडरेबली रिड्यूस्ड आफ्टर दिस एंट्री। दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ज्ञान दे रहा हूं आपको, लेने चेस्टने की चेष्टा नहीं है। जो 8.5 में ट्रोल कर रहे थे वो 50% का गेन कमा चुके हैं इन द लास्ट 1 वीक। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर, बहुत ही बढ़िया, 3 पिक्स से बताएं सर। तो अनिल जी तीनों इंडेक्स के स्टॉक्स हैं। सबसे पहले रिलायंस, आपको अगर क्रूड इस तरह है और रुपी और डॉलर दे हैव अ वेरी वेरी बिग एक्सपोजर टू ऑन द हेज साइड, और इस भाव में अब रिलायंस इज द ओनली मार्केट की लीडर विच विल टेक यू टू 18,000। रिलायंस मेरे को 2650 का भाव दिखता है, आपको 2380-85 में 90 में लेना है, 2330 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 2475 से 25। लार्ज हैवी वेट है लेकिन 100 रुपए की तेजी मेरे को खड़े पांव दिख रही है। दूसरा VSF प्राइसेस आर हायर एवरीवेयर अक्रॉस द बोर्ड, ग्रासिम विल बी द बिगेस्ट गेनर। 1670 पे लीजिए, 1635 का स्टॉप लॉस, 1730 का टारगेट, ये मैं 2 बारी दे चुका हूं और दोनों बारी मेरा कॉल ठीक रहा है। और तीसरा लास्ट बट नॉट लीस्ट टाटा कंज्यूमर, आप जाके देखिए तो अनिल जी, कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं, कोई ऐसा मॉल नहीं जहां स्टारबक्स इज गेनिंग ट्रैक्शन। असाइड फ्रॉम दैट देयर अदर बिजनेसेस ऑन कंजम्पशन आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। द फॉल इन क्रूड प्राइसेस, द फॉल इन पाम ऑयल प्राइसेस इज अ बोनस। तो 755 रुपए में लीजिए, 735 का स्टॉप लॉस, 810 का टारगेट। ओके, तो तीन ये बेहतरीन निफ्टी स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी करने की राय। बस इन साहब की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदिए 2475-2500 के टारगेट के लिए, 2330 का होगा स्टॉप लॉस। ग्रासिम खरीदिए 1635 के स्टॉप लॉस के साथ, 1730 का होगा टारगेट। और टाटा कंज्यूमर्स खरीदिए 735 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट बनेगा आपके लिए 810 रुपए का। ये तीन बेहतरीन पिक्स बस इन साहब की तरफ से आपके लिए आती हुई।